दोस्तों एक रोमांटिक ड्रामा मूवी आया थिएटर में, स्टारिंग विजय देवरकुंडा, समंता, सचिन खेड़कर एंड मुरली शर्मा इन लीड रोल, जिसको मैंने देख लिया है दिल और दिमाग पर पत्थर रखकर। दोस्तों मूवी को डायरेक्ट किया है शिव निर्वाण ने और मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। एनीवे बात करते हैं मूवी की कि कैसी है यह मूवी, क्या यह मूवी आपको एंटरटेन करती है और क्या इस मूवी के लिए थिएटर में जाना वर्थी है भी या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वेल हेलो, मेरा नाम है अशोक खोकर और आप देख रहे हैं खोकर रिव्यू पॉइंट। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मूवी की लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, यानी कि इंटरवल को मिला के आपको लगभग 3 घंटे के आसपास थिएटर में बिताना पड़ेगा। तो आप इसी बात को ध्यान में रखकर फिल्म देखने जाए। बात करें स्टोरी लाइन की तो दोस्तों बिना स्पॉइलर के बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कहानी है विजय देवरकुंडा और समंता की, जो अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और दोनों शादी करने का डिसीजन भी ले लेते हैं। लेकिन 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 उनकी शादी में किसी एक खास कारण से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। वो खास कारण क्या है ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। परफॉर्मेंस वाइज विजय देवरकुंडा का काम बहुत अच्छा है, वो एवरी टाइम एनर्जेटिक लगे है, चाहे वह फाइट सीन हो या फिर रोमांटिक सीन, बेस्ट परफॉर्मेंस। समंता का काम भी अच्छा है, वो हर सीन में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगी है। उनका ड्रेसिंग सेंस और हेयर स्टाइल काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन एक बात ऑकवर्ड लगी मुझे कि उनके फेस एक्सप्रेशन पूरी मूवी में एक तरह के थे और बाकी साइड एक्टर्स का काम भी अपने अपने लेवल पर अच्छा है। मतलब ये है कि परफॉर्मेंस के हिसाब से यह मूवी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बात करें पॉजिटिव की तो दोस्तों इस मूवी में मुझे सिर्फ 2 ही पॉजिटिव पॉइंट लगे हैं। एक तो इसका प्लॉट जिसके ऊपर ये मूवी बनी है और दूसरे है फिल्म के सॉन्ग्स जो काफी अच्छे थे। बाकी इसके अलावा मुझे मूवी में कोई भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं लगा है। बात करें नेगेटिव की तो दोस्तों निकालने को तो मूवी में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन जो मुझे दिखाई दिए वो मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है मूवी की कहानी, जिसको हद से ज्यादा लंबा खींचा गया है। मतलब यार कहानी को मेन टॉपिक तक आते आते ऑलमोस्ट 1 घंटा बीत चुका होता है और उस 1 घंटे में प्यार, फाइट और डायलॉग डिलीवरी सब कुछ अनलॉजिकली फील होता है। मूवी की लेंथ भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस टॉपिक को दिखाने के लिए मेरे हिसाब से 2 घंटे काफी थे। और भाई 3 घंटे का बलिदान देने के बाद भी आपको एक ठंडा क्लाइमैक्स देखने को मिलता है। मतलब कि मूवी के क्लाइमैक्स में मुझे तो कुछ खास मजा आया नहीं है। क्यों देखे, अगर आप विजय देवरकुंडा और समंता के फैन हैं और आपको रोमांटिक ड्रामा मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, मूवी 100% फैमिली फ्रेंडली है, तो इसे आप अपनी फैमिली और पेरेंट्स के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। स्टार कास्ट की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मैं दूंगा मूवी को 2.5 out of 5 star। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, खत्म।